पीजीटी में सर मैं आपका स्वागत है। उसमें हम बात करेंगे पीजे रोहतक स्टाफ नर्स के, जो आपका सोशो इकोनॉमिक मार्क्स हैं वो आपको कितने और कैसे मिलेंगे और किस किस को एक्सपीरियंस है कितने मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा के जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी बच्चों के कमेंट और मैसेज आए कि इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे, मतलब सोशो इकोनॉमिक के कैसे मिलेंगे, हमारा एक्सपीरियंस इतना है, इस यहाँ पर काम किया है। तो दोस्तों आप पहले तो ये नोटिफिकेशन देखिए आप अपना पी जे रोहतक का। तो इसमें जो आपका 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम है और उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। तो इसके लिए जो आप नीचे देख सकते हैं आपको डिटेल सी नोटिफिकेशन GSR10/cons। तो दोस्तों जो भी ये नोटिफिकेशन है हम इसको ओपन करते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है तो इसमें क्या लिखाई पड़ते हैं, तो इसमें है कि लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी आपकी, और जो सामाजिक आर्थिक मानदंड तथा अनुभव ये आपके 10 अंक के होंगे। तो इसमें किस किस को मिलेंगे आपको बता देते हैं इसमें, तो आप समझ जाएंगे, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पहला है क्या, यदि आवेदक के पिता माता पति पत्नी भाई बहनों बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार या फिर भारत सरकार के किसी विभाग बोर्ड निगम कंपनी वैधानिक निकाय आयोग प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, मतलब अगर वो नहीं है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप ये ध्यान से देखिए किस किस को नहीं मिलेंगे और किस को मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका जो बी पॉइंट है, अनाथ या विधवा, यदि आवेदक विधवा है या आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो, या यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों जो फादरलेस का जो क्राइटेरिया है वो आप समझ जाएंगे इस बात से कि किसको 5 नंबर मिलेंगे उस पर। और जो उसका सी पॉइंट है, यदि आवेदक ऐसी अन अधिसूचित जनजाति विमुक्त जाति और टापरीवार जाति या हरियाणा की घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है न ही पिछड़ा वर्ग है, तो दोस्तों जो ना ही SC में है ना ही BC में, तो वो उनको मिलेंगे 5 नंबर। तो ये हो गए आपके सोशल क्राइटेरिया और इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो आपका एक्सपीरियंस है तो ये आपका अनुभव हरियाणा सरकार के किसी विभाग बोर्ड निगम कंपनी वैधानिक निकाय आयोग प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों में अनुभव के प्रत्येक वर्ष या 6 माह से अधिक उसके भाग के लिए आधा अंक, मतलब जो आपके आधा अंक मिलेगा आपको 6 माह से अधिक है तो उसके लिए आपको आधा अंक मिल गया, और 6 माह से कम किसी अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब जो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने से आपका कम का है तो वो आपका काउंट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है जो आप देख सकते हैं कि अधिकतम 16 वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या 6 माह से अधिक के अधिक उसके भाग के लिए आधा अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके आधे आधे अंक काउंट करके आप देख सकते हैं कैसे होंगे। तो दोस्तों आपके जैसे 16 वर्षों के आपके अधिकतम हो गए आपके 8 नंबर मिल सकते हैं आपको एक्सपीरियंस के मैक्सिमम नंबर। तो दोस्तों जिसका भी एक्सपीरियंस का है वो डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि आपको 8 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, वो कैसे मिलेंगे आप समझ गए होंगे। और आपका कहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके हरियाणा सरकार के किसी विभाग बोर्ड निगम कंपनी वैधानिक निकाय आयोग प्राधिकरण में समान या फिर उच्चतर पद, मतलब आप जैसे स्टाफ नर्स का दे रहे हैं या तो आप इक्वल हो स्टाफ नर्स के या फिर उससे ऊपर पोस्ट पर हो, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे नीचे काउंट नहीं करेंगे। और इसमें साथ ये लिखा किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में 10 अंकों से अधिक नहीं दिए जाएंगे, और लिपिक के पद के लिए कंप्यूटर अप्रिसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसको हम SAT C बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे आपको कितने मार्क्स किसको मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपका सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।